एक समय की बात है, रात को सोनू ट्रेन में वॉशरूम जाने के लिए उठता है। अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, साए साए की आवाजें आने लगती हैं। तभी किसी के रोने की आवाज सोनू को सुनाई पड़ती है और एक भूतिया साया सोनू के बगल से जाता हुआ दिखता है। अरे अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं, ये इतना अजीब सा माहौल कैसे हो रखा है। खैर जो भी है, अभी तो बहुत समय है पहुँचने में। चलो वॉशरूम जाके आता हूँ, तब वापस सो जाऊंगा। सोनू अपने कंपार्टमेंट में अपनी सीट से उठकर थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि अगली सीट पर 4 लोग बैठकर कोई खेल खेल रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये खेल खेल तो रहे हैं, बट सोच समझ लो, कभी ये खेल हम पर ही भारी पड़ जाए। चल चल डरपोक, कैंडल जला जल्दी से और इस पेपर के बीचों बीच एक गोला बना के उसके अंदर रख दे। अरे भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन सा गेम है ये, मुझे भी बताओ। भाई ये बहुत डरावना खेल है, इसमें मरने का भी डर है। मतलब मौत का खेल? ऐसा कुछ नहीं होता, सब इंसान द्वारा बनाए गए चोचले ही है। भाई मैं नहीं खेलूंगा, मुझे डर लग रहा है और मुझे अभी नहीं मरना। हाँ भाई पिंकू, तू नहीं खेलेगा तो हम 3 लोग ही रह जाएंगे और फिर हम ये गेम ही नहीं खेल पाएंगे, इसलिए तुझे खेलना ही पड़ेगा। ठीक है ना भाई, वैसे तो मुझे तुम लोगों की बातें सुन के हंसी आ रही है, पर कोई नहीं, आज ये भी करके देख लेता हूँ। पिंकू वहाँ से हट जाता है और उसकी जगह सोनू बैठ जाता है। पिंकू, अक्कू, सोनू और टुन्नू मिलकर ये खेल खेलने लगते हैं। इस पेज पर मैंने पेंसिल से ये गोला बना दिया है, इसके अंदर सोनू तुम एक कैंडल जला के रखो। ठीक है, मैं करता हूँ। आप सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ो और जलती हुई कैंडल की तरफ देखते हुए बोलो, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम यही हो, अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। ये क्या बकवास है, खुद से ही कुछ भी। हंसो नहीं भाई, जैसे कहा जा रहा है वैसे ही करो, कंसंट्रेशन के साथ, तभी तुम यकीन करोगे। अच्छा, सारे मिलकर वापस सेम लाइंस दोहराते हैं जो सिक्कू ने कही थी। कई बार दोहराने पर अचानक उस गोले से काला धुआं सा ऊपर की तरफ निकलता है और कैंडल की लौ का रंग बदलने लगता है। देखो भाई, लौ का रंग बदल गया। तुम लोग सच में पागल हो चुके हो, आग का भी बला कभी रंग बदलता है क्या? भाई इसे ऐसे विश्वास नहीं होगा, कुछ और तरीका अपनाते हैं इस जनाब को यकीन दिलवाने के लिए। अक्कू इस बार गोले के अंदर बुझी हुई कैंडल रखता है और सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं और सब लोग आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, चलो अब मेरे पीछे बोलो सारे, हमें पता है कि तुम यही हो, अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। कई बार यही लाइंस दोहराने पर अचानक कैंडल जलने लगती है और अचानक उन सबको गुर्राने की आवाजें आने लगती है। कौन है यहाँ? तुम में से कौन ये आवाजें निकाल रहा है? ये आवाजें हम नहीं निकाल रहे थे, ये वही आत्मा की आवाज है जिसे हम बुला रहे थे। अब तुम्हें यकीन हुआ या अभी भी हंसोगे? मुझे पता है, तुम में से ही किसी ने कैंडल जलाई है जब मेरी आंखें बंद थी, और ये जरूर पिंकू भाई ने आवाज निकाली होगी। बेटा हमें पता है तुम डर चुके हो और मान नहीं रहे हो। और सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। चलो चलो काम करो अपना, मैं जाता हूँ अब सोने, ये सारी फालतू की बातें हैं। सोनू अंदर ही डर रहा होता है पर वो सोने की कोशिश करता है अपनी सीट पर आकर। तभी सोनू को एक साया अपनी सामने वाली सीट पर दिखता है। कौन है वहाँ? सोनू को अब अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सोनू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और जबरदस्ती सो जाता है। उसकी नींद खुलती है तो वो देहरादून स्टेशन पहुंच चुका होता है। भैया के घर आकर वो ट्रेन की पूरी घटना उन्हें बताता है। अब आप ही बताओ कितनी सच्चाई है इसमें। खुद ही करके देख लेते हैं एक बारी, मुझे भी एक ऐसा खेल पता है पर कभी ट्राई नहीं किया, चलो साथ में ट्राई करते हैं, पर हमें अकेले अकेले अलग अलग जगह पर ट्राई करना पड़ेगा। रात होते ही भैया के कहने पर सोनू बाथरूम में एक कैंडल लेकर अकेले जाता है और शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई थी,
आओ आके मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। ओ माँ शीरो, मुझे पता है तुम्हारी मौत दर्दनाक तरीके से हुई थी, आओ मेरे सामने आओ। तभी अचानक शीशे में एक जला हुआ डरावना चेहरा नजर आता है। सोनू वो चेहरा देखकर डर जाता है, पर हिम्मत बांधकर रिचुअल पूरा करने लगा। आओ मेरे सामने आओ और अपनी मौजूदगी का एहसास दो। तभी वो उमा शीरो का भूत शीशे में से ही फूंक मारकर कैंडल बुझा देता है। तभी बाथरूम की लाइट भी फ्लिकर करने लगती है। अरे ये क्या होने लगा? ओमा शीरो, ये सब तुम कर रहे हो क्या? हैं? तुम कर रहे हो? तभी ओमा शीरो का भूत जोर जोर से हंसने लगता है और अपने आप बाथटब का पानी चलने लगता है। धीरे धीरे बाथटब में पानी ऊपर तक भरने लगता है। तभी सोनू को महसूस होता है कि बाथटब में कोई अंदर नहा रहा है। कौन है बाथटब में? ओमा शीरो, क्या तुम हो अंदर? तभी सोनू को पीछे से एक धक्का लगता है और वो सीधा बाथटब में जा गिरता है। गिरते ही उसे फील होता है कि वो किसी के ऊपर गिरा है। ओमा शीरो, मुझे पता है कि ये तुम हो, मुझसे बात करो, बताओ क्या हुआ था, पूरी कहानी बताओ। बाहर से तभी सोनू के भैया की आवाज़ आती है। क्या सब ठीक है अंदर? फिर भैया दूसरा रिचुअल करने के लिए एक बहुत पुरानी अलमारी में माचिस की तीली लेकर घुस जाता है। अब मैं अंदर से अलमारी का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कोई है मेरे पीछे? मुझे पता है तुम अंधेरी दुनिया से आए हो, क्या तुम यही हो? तभी भैया के पीछे से रोने की आवाज़ आने लगती है और भैया के कंधे पर एक नीला हाथ रखता है कोई। भैया के पसीने छूटने लगते हैं। हिम्मत करके भैया उस भूत से पूछता है, तुम इस दुनिया में कब से हो? मैं सालों से इसी दुनिया में हूँ। मैं अब इंसानों की दुनिया में आना चाहता हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ इस अलमारी से बाहर ले चलो। तभी सामानों के गिरने की तेज आवाजें आने लगती हैं। चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। सोनू ओमा शीरो से बात करने की कोशिश करता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे मौत हुई थी तुम्हारी? मैं बहुत सालों पहले बाथरूम में नहाने आया था और मेरा पैर फिसल गया और बाथटब में सर लगने से मेरी मौत हो गई। फिर मेरी आत्मा शीशे में ही कैद हो गई। अब जब भी कोई कैंडल लेके मुझे शीशे से पुकारता है तो मैं आ जाता हूँ। तो अब तुम अब क्या चाहते हो? अब मैं इंसानी दुनिया में रहना चाहता हूँ। पर कैसे? तुम तो एक आत्मा हो। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके आज तक जितने लोगों ने भी ये खेल खेला उन्होंने बीच में ही रोक दिया, पर तुमने इसे पूरा किया, इसलिए अब मैं तुम्हारी आत्मा इस शीशे में कैद करके तुम्हारे शरीर में बाहर रहूंगा। ये सुनकर मानो सोनू को परलोक याद आ जाता है। सोनू थर थर कांपने लगता है और जोर जोर से भैया को बुलाने लगता है। इधर भैया अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए सोच ही रहा होता है कि सोनू की चीखें सुनकर भैया तुरंत माचिस की तीली जलाता है और रिचुअल वहीं खत्म करके और भागा भागा बाथरूम की तरफ जाता है। ओमा शीरो सोनू का मुंह बाथटब में ही दबाने लगता है। पानी के प्रेशर से सोनू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सोनू छटपटाने लगता है। वो तेज तेज बाथटब के पानी में पैर मारने लगता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। छोड़ मुझे छोड़ दे मुझे। नहीं, इतने सालों के बाद मुझे आजाद होने का मौका मिल रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा और फिर मैं इस दुनिया से मुक्ति पा लूंगा। बचाओ भैया, बचाओ मुझे, मुझे ये खेल अब नहीं खेलना। बचाओ।
भैया बाहर से गेट खोलने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होते हैं। सोनू, दरवाजा नहीं खोल रहा, मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बस अपने आप को पानी से बचा के रखो, पानी के अंदर अपना सर मत जाने देना। तभी ओमाशीरो अपनी शक्ति से बाथरूम की सारी टैप चालू कर देता है और पानी निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है। बाथरूम में पानी भरता ही जाता है। हे भगवान, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले। मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा और आज के बाद कभी किसी भी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हे राम जी, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे तो ओमाशीरो की शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। सोनू, तुम बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करो, उस ओमाशीरो की शक्ति सिर्फ बाथटब में ही दुगनी हो सकती है। मैं जब तक दरवाजा तोड़ रहा हूँ। अच्छा, मेरे खिलाफ चाल चलोगे तुम लोग? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ तुम्हें। ओमाशीरो अपना एक हाथ बड़ा करके दरवाजे के बाहर निकलता है और भैया को जोर का धक्का देकर दूर फेंक देता है। भैया का सर दीवार पर जा लगता है जिससे उसके सिर से खून आने लगता है। आप मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं क्या करूं? कैसे ये खेल रोकूं? बाथरूम पूरा पानी से भर चुका है, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। 4 बजने से पहले मुझे इसी भी हालत में इसे शीशे में कैद करना होगा, वरना ये बाहर आकर के त्राही मचा देगा। ओमाशीरो की शक्तियाँ सिर्फ बाथरूम तक ही सीमित है, इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। इधर भैया भी हिम्मत करके उठ जाता है और हथौड़े से बाथरूम का गेट तोड़ देता है जिससे बाथरूम का सारा पानी बाहर आ जाता है। फिर सोनू वापस कैंडल जलाकर शीशे पर रखकर कहता है, ओमाशीरो, तुम अब शीशे में जाने वाले हो, मुझे पता है, अब तुम शीशे में वापस कैद होने वाले हो। नहीं, मुझे वापस कैद नहीं होना, मुझे कमांड नहीं दो वापस जाने का। तुम्हें जाना ही होगा, जाओ, वापस जाओ। और फिर शीशा ओमाशीरो के भूत को अपने अंदर खींच लेता है। चिल्लाता हुआ ओमाशीरो वापस कैद हो जाता है। तुरंत सोनू फूंक मार कर कैंडल बुझा देता है और इस तरह ये मौत का खेल खत्म होता है।